प्रसिद्ध समाज सेवी एवं नेता संदीप गर्ग द्वारा लाडवा हलके के गांव में लगाए जा रहे निशुल्क हेल्थ चेकअप एवं आंखों के जांच शिविर हलके की जनता के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कैंपों में भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचकर लाभ उठा रहे हैं। गांव मंगोली जाडान के सर छोटूराम हाई स्कूल में 46वां निशुल्क हेल्थ चेकअप एवं आंखों के जांच का शिविर लगाया गया, जिसका समाज सेवी संदीप गर्ग द्वारा रिबन काटकर शुभारंभ किया गया। समाज सेवी संदीप गर्ग ने कहा कि स्वस्थ बनेगा लाडवा हलका अभियान के तहत हलके में स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों में बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे कम बीमार पड़े। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि वे ये कार्य निरंतर जारी रखेंगे और जनता की सेवा के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे। वहीं स्कूल प्राचार्य सुदर्शन कौर ने कहा कि जब समाज सेवी संदीप गर्ग हलके की जनता के लिए इतने कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी सेवा में कुछ भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि कैंप और रसोई जैसे कार्य समाज व जनहित के कार्य हैं, इससे बड़ा कोई कार्य हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब संदीप गर्ग द्वारा कैंपों के बाद दोपहर के भोजन को भी जोड़ दिया गया है, जो कि बड़ा ही नेक कार्य है। समाज के लोगों को ऐसे व्यक्ति को आगे लेकर आना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। वहीं कैंप में 317 लोगों के स्वास्थ्य व आंखों की जांच की गई और 166 लोगों को निशुल्क चश्मे व दवाइयां वितरित की गई। 13 लोगों के आंखों के ऑपरेशन भी करवाए जाएंगे। मौके पर प्राचार्य सुदर्शन कौर, कोच कविता, अजय सिंह, निरंजन सिंह, प्रेमचंद सहित अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आप जानते हैं 46वां कैंप हमने यहाँ पर लगाया है और भीड़ बता रही है कि इसका बहुत से लोग फायदा उठा रहे हैं। और जो ये कार्य है, जैसे यहाँ पे चश्मे वितरण हो रहे हैं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो वृद्ध माताएं हैं जिनकी आंखें कमजोर हैं, मौके पर ही चश्मा दिया जा रहा है। और किसी को सफेद मोतिया काला मोतिया होगा, उसका ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। और मैं अपनी बहनों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने गर्भवती महिलाओं के लिए, जो मेरी बहनें हैं, मेरी बेटी हैं, एक वैन अलग से लगाई है कि जिसकी भी कॉल आएगी उसके पास वैन जाएगी और फिर आदेश हॉस्पिटल में उसका चाहे सर्जेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, और जब जच्चा बच्चा को छुट्टी मिलेगी वही वैन उसको घर तक छोड़ने जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और कन्या ने अगर जन्म लिया तो 1100 रुपए का शगन दिया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि बाहर अगर यही काम करवाना हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाना हो, तो 40 से 50 हजार रुपए लगते हैं। और सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं तो सभी हैं, परंतु कुछ डॉक्टरों की कमी से और रश होने की वजह से उसी दिन नंबर नहीं आता जब डिलीवरी का टाइम होता है। 2-3 दिन की वेट करनी पड़ती है। इस चीज को देखते हुए मैंने ये स्टेप उठाया। और बाकी मेरे कामों के बारे में आप सभी जानते हैं कि रसोईयां चल रही हैं, और चाहे वो खेल कूद के बच्चे हों उनको स्पॉन्सर करना हो, चाहे वो मेडिकल कैंप आपके सामने लगा, एम्बुलेंस सेवा है। संदीप गर्ग जी एक समाज सेवी आदमी है जो गरीब आदमियों को राशन दे रहे फ्री में और कैंप लगा रहे हैं, जिससे आम जनता को बहुत फायदा बहुत पहुंच रहा है। और उसके लिए किसी को कोई पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो बहुत ही अच्छे आदमी है लाडवे हल्के में। सर 2024 भी नजदीक है, और क्या ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आगे आना चाहिए? आना चाहिए, जो समाज सेवी आदमी होते हैं उसको सबसे आगे आना चाहिए। हमारे बीच आए हैं अपने गांव में पधारने पर इनका मुकामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इन्होंने यहां पर 46वां कैंप लगाया है। इनको हमने बताया था कि गांव में समस्या, बुजुर्गों को, महिलाओं को, वो बाहर नहीं जा सकते, तो इन्होंने तुरंत हामी भरी और यहां पर 46वां कैंप ऑर्गेनाइज किया। तो समाज सेवा के लिए भी हमारे बीच आते रहते हैं और हमें फायदा मिल रहा है उसका। जब भी हमने बुलाया है, गांव में बुलाया है, स्कूल में बुलाया है, तुरंत पहुंचे हैं और अपना योगदान भी दिया है। तो हम इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं।